₹20 में पैक होता है गिफ्ट, ₹5 की पन्नी आती है और ₹20 में पैक करके दिया, कोई सस्ता नहीं पैक करके दिया। नितेश पालिया जी यहाँ पे, और पता नहीं क्यों घूर रहे हैं वो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। से घूर क्या रहे हो? तो तू बोल रही थी तेरे पास नहीं है कुछ भी पहनने के लिए। पर ये मुझे पसंद नहीं है ना पहनना। अच्छा तो लग रहा है बहुत। नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा थैंक यू। माय प्लेजर। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। पता नहीं मैं व्लॉग डाल पाऊंगी कि नहीं डाल पाऊंगी, और वैसे नहीं डाल पाऊंगी। एनीवेज तो आज है प्रियंका की शादी, और अब मैं जा रही हूँ उसके फंक्शन में। ऑलरेडी 3 बज चुकी है, और मुझसे कहा गया था कि मैं 2:45 बजे तक आ जाऊँ वहाँ पे, पर यहाँ पे 3:30 बजने वाली है। पर मुझे लगता है फिर भी मैं टाइम पे पहुँच जाऊँगी, क्योंकि कोई भी अगर फंक्शन होता है तो टाइम पे हो जाए ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और ये 2:00 बजने लग गया है, मुझे पहले इस 2:00 को बंद करने दो। ओके डन। और यहाँ पे मुझे नितेश जी छोड़ने जा रहे हैं, और शाम को ये भी हमारे साथ में जाएंगे। मतलब अभी आज क्या है, आज इंगेजमेंट भी है और शादी भी है, तो इसलिए अभी इंगेजमेंट के फंक्शन पे जा रहे हैं। मतलब ये नहीं जा रहे, मैं जा रही हूँ, और फिर हम जाएंगे शादी वाले फंक्शन में। ओके तो मिलते हैं वेन्यू पर, है ना, ये वेन्यू पर। तो मिलते हैं वेन्यू पर। बाय। मैं तो खुद से पूछ रही हूँ, हम ऑलरेडी लेट हैं, और हमें अभी मैरिज गार्डन के बारे में पता ही नहीं कि कहाँ पे शादी हो रही है, और अब हम पूछेंगे। ये मधुवन गार्डन पता है किधर है? भैया मधुवन भैया, हम तो खुद ही पूछते हैं ये गार्डन क्या है। आगे वाला देखना सर। यस एक ये भी तो है यार, इसमें ये रामायणम लिख रहा है ना। रामायणम बोला था क्या उसने? ये रहा ना रामायणम, यही है क्या? अच्छा अपना ड्रेस दिखा दो ना, ऊपर से लेके नीचे तक। तो गाइस ये है मेरा आउटफिट, और शादी में जाने के बाद में, मतलब फंक्शन में जाने के बाद में कोई भी मेरा वीडियो नहीं बनाने वाला, इसलिए मैं पहले से ही नितेश से बनवा ले रही हूँ कि मैंने ये पहना है। ठीक है, बाय बाय बाय, जाओ। हाँ अब इन लोगों को मुझे ढूंढना पड़ेगा कि ये लोग कहाँ पे फंक्शन कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे वेन्यू पे कोई भी नहीं दिख रहा है। इधर रहती तो भूखी मर जाती मैं, और खाना हटाए उससे पहले पहले पहुँच जाते हैं खाना खाने के लिए, इसलिए मैं हटा दिया क्या, देखो है मिल जाएगा खाना। यहाँ पे एंगेजमेंट का फंक्शन हो गया है, और अब मैं निकल रही हूँ मेरे घर की ओर, और प्रियंका को बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो मिलते हैं शाम को। बाय बाय। तो गाइस शादी में मेरे वहाँ पे कोई भी नहीं था, मतलब कोई भी दोस्त मेरा नहीं था वहाँ पे, तो मैं रेडी होके गई तो उसका कोई मतलब तो आता नहीं, क्योंकि फोटोज वगैरह मेरा नहीं क्लिक हुआ था। फिर यहाँ घर आके मैंने नितेश से फोटोज क्लिक कराए, और अब मैं जा रही हूँ अपने घर पे, फिर मैं रेडी होंगी और नितेश भी रेडी होएगा, और हम दोनों जाएंगे साथ में। ओह हे गाइस, तो हम लोग रेडी हो चुके हैं शादी के फंक्शन के लिए। मैं बिल्कुल नॉर्मल सी रेडी हुई हूँ, मैंने कुछ भी नहीं पहन रखा है, कोई एसेसरीज नहीं पहन रखी है, मैंने सोचा आज थोड़ा सा नॉर्मल जाया जाए। मैं हमेशा नॉर्मल ही रहती हूँ, हाँ मतलब इतना कुछ खास नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत ही। अभी बज चुकी है, घड़ी नहीं है, पर मुझे आइडिया है कि अभी शायद 9:30 के करीब बज चुकी है, और हम लोग बस जा ही रहे हैं। हम लोग मतलब ये वाली सीट खाली है अभी नितेश भैया में गिफ्ट को पैक कराने के लिए, तो फिर वहीं पे मिलेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिला दूंगी, पहले हाय बोलो। हेलो आई एम नितेश प्रालिया। ये कभी भी व्लॉगर नहीं बन सकता इंसान, और ना ही। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? हम जा रहे हैं शादी में, और मैंने पहना है व्हाइट, जबकि मैं पहन के आया था जैकेट, पर मैंने उतार दिया उसको। तो हम दोनों ने ऐसे बताया, हम जा रहे हैं ऐसे ही। तो मैं करवा लूं फिर ऐसे ही?
करवा लो और क्या है ना, डायरेक्टली रैप करवा लेते हैं, क्या दिक्कत है। इसी कागज के समेत ही कराओ ना, इसके साथ ही और क्या, इसी कागज गिफ्ट हो जाएगा पूरा। हाँ और क्या, उसी के साथ ही करवा लो। हाँ तो इस तरीके से हम दिन भर लड़ते रहते हैं, जो कि लड़ाई हमने दिखाई नहीं है। हाँ तो यहाँ पे गिफ्ट की पैकिंग, मेहनत के पैसे भी नहीं लिए ऐसा लगा मुझे तो। क्यों 20 रुपए में पैक करके दे दिया, तो 20 रुपए में पैक होता है गिफ्ट। 5 रुपए की 5 रुपए की पन्नी आती है और 20 रुपए में पैक करके दिया, कोई सस्ता नहीं पैक करके दिया। ये फूल दिया और हाँ ये सब इतने में होता है, तो मैं पैक कराया हुआ इतना टाइम, तो बहुत टाइम हो गया, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, 50 रुपए से कम कोई पैक नहीं करता। तो 50 रुपए देना था ना आपको, निकाल के बोलो लो आप ले लो 50। उन्होंने मांगे नहीं तो मैं क्यों दूंगा, नहीं तो फिर क्यों इतना दयावान बन रहे हो। मतलब अच्छी बात है ना, अपन को यहीं से पैक कराना चाहिए, हर कोई दुकान वाला इतने में करके देगा, यही रेट चल रही है। फ्लैश क्यों जला रखा है, हर जगह बारात ही बारात जा रही है, आप देखते जाइए। और आगे भी मैं आपको बहुत सारी बारात से मिलाने वाली हूँ। खुश हो रही होगी, तारे ही बाराती जाने ही सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके थात जीवन। मैं बहुत ही हटो 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 तो गाइस बहुत टाइम बाद मिले हैं हम स्कूल वाले फ्रेंड्स और कुछ काम थैंक यू। लग रहा है नितेश आपको यहाँ पे आके? मेरे को कुछ अलग से कुछ नहीं लग रहा, एक शादी में आया हूँ, मेरी दोस्त की शादी में आया हूँ, तो अच्छा एक्साइटमेंट दिखाओ, बाद में ये व्लॉग सब देखेंगे। पागल गाइस, बाय 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 बाय। खाने आए हैं आइसक्रीम और उसके बाद हम लोग जाएंगे वापस शादी में। यस बाय।